वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। आज हम परवल तलने जा रहे हैं। रोज वही आलू परवल खा खा के हो गए हैं बोर। तो चलिए आज हमारे साथ जुड़ जाइए और बनाइए बढ़िया परवल की भुजिया। तो ये मैंने परवल लिए हैं, 250 ग्राम परवल हैं और ये बहुत अच्छा परवल है, एकदम टाइट परवल है। जब भी परवल खरीदें तो बढ़िया टाइट जो परवल हो वही खरीदें, जो मुलायम होते हैं उनके बीजे पके हुए होते हैं, कभी कभी परवल पुराना होता है। तो सबसे पहले इन परवलों का हम ये हटा देंगे। ये परवल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जो हम ऐसे तल लेते हैं। हम बताएंगे कि इनमें हमें क्या क्या डालना है और कैसे ये बनाए जाते हैं। तो ये मैंने सारे परवल का आगे पीछे का सब काट दिया है और अब इनको हम काटते हैं। तो काटने के लिए हम इन्हें इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। परवल बिल्कुल ताज़ा है, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बीजे नहीं हैं। हमें तलने के लिए इसी तरह का परवल चाहिए। अगर बड़े बड़े बीज होते हैं और थोड़ा सा पीला पीला होता है तो वो हमें निकालना पड़ जाता है, लेकिन इन परवलों का हमें कुछ भी नहीं निकालना है, बस ना हमें छिलका छीलना ना हमें बीज निकालना, बस ऐसे ही काट लेना है। तो सारे परवल हम इसी तरह से काट लेंगे। सारे परवल मैंने काट लिए हैं, ये देखिए एक भी परवल में ज़्यादा सा बीजा नहीं निकला है, सब में इसी तरह का है। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा ये सब। तो अब इनको एक साइड में रखते हैं और चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ा दिया, अब इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल जाएगा इसमें। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हल्का सा गर्म हो गया है तो इसको हम चारों तरफ कढ़ाई में फिरा देते हैं ताकि हमारे परवल चिपके नहीं, चिकनी कर लेते हैं कढ़ाई को। कढ़ाई हमारी बढ़िया से चिकनी हो गई है और अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा सा कड़क जाने देते हैं। तो जीरा हमारा भुन गया है, अब हम ये परवल डाल देंगे इसमें। चला देते हैं, हम इसी के साथ में ये 8-10 करी के लिप्स लिए हैं, ये डाल देते हैं। करी लिप्स मैंने घर में लगाई हुई है पौधा, तो काफ़ी बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए हैं, इसको डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। इसी के साथ में ये भुन जाएंगे। ये थोड़ा सा 3 पत्ते एक साथ हैं तो इनको हम अलग अलग कर देते हैं। और अब इनको ऐसे ही तलने देते हैं, फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इनको ढकेंगे नहीं, खुला तलने देते हैं। इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे हम, कोई मसाले नहीं डालेंगे। परवल हमारे देखिए अच्छे से तल रहे हैं और कलर चेंज हो गया है इनका। और इनको हम और तलने देंगे, लेकिन थोड़ी सी हम इनमें धनिया डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसलिए पहले डाल रहे हैं कि ये इसी के साथ में ये भी भुन जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर हम बाद में इसको डालेंगे धनिया को, तो धनिया जैसे ही परवल के उसमें जाएगी और परवल गर्म होंगे तो धनिया मुलायम हो जाती है। तो इसी में ये बढ़िया से तल जाएंगे बिना नमक डाले। अभी मैंने इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं डाला है, हम ऐसे ही तल रहे हैं इनको। तो इनको बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। अब परवल हमारे तल गए हैं तो अब हम गैस को स्लो कर देते हैं। स्लो करके इनको और थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं, थोड़ा सा कुरकुरे होने देते हैं। तो परवल हमारे तल के हो गए हैं तैयार। गैस को करते हैं बंद और इनको एक किनारे लगा लेते हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देते हैं, तेल हमारा वापस कढ़ाई में चला जाएगा और हम परवल को थोड़ी देर में निकालेंगे। अब हम परवलों को निकाल लेंगे इस बाउल में। कितने बढ़िया दिख रहे हैं,
ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, खासकर दाल चावल के साथ में। इनको भी किनारे लगा देते हैं। और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं अभी। अभी इनमें नमक नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हम इनमें कुछ मसाले डालेंगे। तो परवल ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले जाएगा स्वादानुसार नमक। नमक संभाल के डालें, परवल बहुत कम है। और मिर्च, लाल मिर्च अपने हिसाब से डालें। और थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला इसमें। और इनको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे, सब में मसाले हो जाएं, कोट हो जाएंगे। और ये हमारे परवल तैयार हो गए हैं। ये देखिए खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं, कुछ कहने को नहीं। इनको दाल चावल के साथ में जिस तरह हम आलू की भुजिया खाते हैं, उसी तरह से हम परवल की भुजिया बना लेते हैं और दाल चावल के साथ में एंजॉय करते हैं। तो अब आप भी बनाइए और खाइए और हमें बताइए हमारी परवल की भुजिया कैसी बनी है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।